ये देखो बेचारा मेरे लिए बैठा हुआ है अभी तक, कि अभी बोलूँ चल और अपना हीरो चलेगा रन पे। क्या बोलता है जीक, 5 मिनट रुक जा बॉस। चल आजा आजा, चले बारिश बारिश पड़ रही है अपना जीक, पूरा पंप अप हो जाता है बॉस, मालूम नहीं क्यों। ये देखो कैसे खींच रहा है मेरे को, पर नो डाउट बॉस वेदर मस्त है, बहुत ही अच्छा मज़ा आ रहा है। जीक को प्यास लगी, हाँ जीके चल आजा, मज़ा आया बॉस। जितनी बारिश पड़नी चाहिए थी वो हिसाब से पड़ी नहीं, पर ठीक है। जीक मीट्स एस आफ्टर अ रन। अरे किधर गया अपना हीरो, किधर है अपना मेन हीरो, किधर चले गया भाई। तो अभी काम पे लगा, जो आगे का पार्ट है अपने घर का, जो इतने टाइम से मैं बोल रहा हूँ मेरे को करने का, फाइनली वी गोना गेट टू इट। उसके लिए मेरे को लगेगी मेरी ये वाली सीढ़ी, अपने को ये ब्रश लगेगा आज बॉस रूफ के वहां से सब निकालने के लिए। तो ये देखो ये जैसे आपको दिख रहा है ना पूरे रूफ पे आगे, ये सब क्लियर करने का। तो ब्रश लेके आया कि ऐसे दूर पहुंच सकूं। तो लैडर जब भी यूज़ करोगे मेक श्योर करना कि ये बराबर स्ट्रेच्ड आउट है, ठीक है, और ये ऐसे लॉक होना चाहिए, नहीं तो आपका गिरने का चांस है। ऐसा ही बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे को खुद को ये सब चीज़ें मालूम नहीं थी, ये घर लेने के बाद बहुत सारी चीज़ें सीखा हूँ बॉस। आप में से बहुत सारे जन ऐसे जगहों से आओगे जहाँ यू नो आपने ये सब किया नहीं होगा मेरे से। तो शिंगल बॉस एक चीज़ याद रखना, शिंगल आपके रूफ का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। इसमें अगर एक छोटा भी होल हो गया ना, आपके घर के अंदर की दीवार का पूरा सत्यानाश हो जाएगा, या सीलिंग का। तो कभी भी थोड़ी भी लीक दिखे ना, राइट अवे हैंडल कर लाना, नहीं तो भारी पड़ जाएगा आपको। तो ये देखो ये अभी सीधा इधर से नीचे फेंकूँगा, ये मेरे को ट्रैश करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये एक्चुअली मेरे फ्लावर बेड में काम में आता है। अभी मेरे को ये पूरा रूफ वो एंड तक पूरा क्लियर करने का। तो इन रियलिटी ये सब मैं बहुत लेट कर रहा हूँ, पर बेटर लेट देन नेवर बॉस, क्योंकि नेक्स्ट थिंग यू नो पानी ऐसे पूरा जमा होने लग गया और पंगा हो जाए। और फिर ऐसे टाइम पे दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि जब भी स्टॉर्म आता है ना, आप इंश्योरेंस क्लेम करोगे ना, तो जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं वो लोग बहुत बिजी होते हैं, तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा अगर बहुत बिजी होंगे वो लोग तो, और फिर क्या मज़ा नहीं आता यार। इमरजेंसी में कुछ भी काम करोगे ना उसका वो रिजल्ट नहीं मिलेगा, राधा देन यू नो अपने पेस पे। बस बहुत मज़ा आ रहा है बारिश में काम करने के लिए। बेस्ट पता है क्या है, समर की जो बारिश है ना, क्योंकि अभी तक हम लोग के यहाँ फॉल आया नहीं है, फॉल आता है और या तो विंटर आ जाता है ना, तो ठंडी होती है, वो बारिश में मज़ा नहीं आता है, घर से निकलने का दिल नहीं होता। पर ये वाली बारिश में एकदम अपने इंडिया का वेदर है कि जहाँ ज़्यादा ठंडी भी नहीं है, गर्मी भी नहीं है और मस्त ब्रीज चल रही है। इसके लिए आज घर की बहुत याद आ रही है, बस हो ही गए खाली ये एंडिंग का थोड़ा निकालो, और ये निकालने की ज़रूरत नहीं है पर अभी कर ही रहा हूँ तो माइट एज वेल साफ ही कर डालो। तो घर के ये साइड भी आया, ये साइड भी देखो जैसे सब जमा हो गया, क्योंकि ये झाड़ के वजह से सब पत्ते जमा हो जाते और फिर ये जो छोटे छोटे होल है इसमें सब ब्लॉक कर डालते, और फिर क्या होता है अगर इधर पानी ज़्यादा जमा होने लगा ना, इवेंचुअली अंदर जाएगा थोड़ा बहुत और अपनी सीलिंग ख़राब कर डालेगा। तो ये देखो सब हो गया, ये साइड के घर पर भी वहाँ बहुत सारा जमा हो गया था, सब सेट हो गया। तो अपना अभी का सब काम ख़त्म, अभी उतर रहा हूँ नीचे, इसके बाद मेरे को मेरा ये लाइडर साफ करके रखने का, क्योंकि नहीं तो मेरा गैराज में कचरा हो जाएगा। और फिर क्या ऐसे ही सब काम बढ़ते जाते हैं और एंड में सब पाइल अप हो जाता है। क्या नीट क्लीन हो जाएगा मस्त। Tropical Storm Nicholas,
city facilities will be closed tomorrow. तो जैसे आपने सुना है, ऐसे हम लोग को अलर्ट्स आता है इधर, जिन जिनका नंबर ये लोग के सिस्टम में होता है, और ये लोग अपडेट करते हैं कि अभी जैसे इसने बोला कि सिटी के जो भी डिपार्टमेंट्स है सब बंद होने वाला है क्योंकि ट्रॉपिकल स्टॉर्म आ रहा है। और फिर दूसरा, जैसे आपको मैं पहले दिखाया था, ये लोग के टेक्स्ट मैसेजेस आते हैं जैसे हम लोग को अपडेट करते। एक चीज़ तो श्योर है, ह्यूस्टन में काफ़ी जगह पे पानी भरा हुआ है। बाद में जीप निकालता हूँ अपने यहाँ, ऐसे ही नेबरहुड में ड्राइव मारते थोड़ा बाहर निकल दे, एकदम ह्यूस्टन की तरफ नहीं जाऊंगा, यानी डाउनटाउन की तरफ नहीं, पर इधर आजू बाजू में ऐसे ही ग्राउंड मार के आते। मेरे को तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ बॉस, खाली ये वाला मेरा झाड़ मेरे नेबर के घर पे आ गए। तो लोगों के तो ऐसे बड़े बड़े झाड़ सब गिर जाते हैं, कितने लोगों के रूफ पे गिरते हैं, पूरा घर डैमेज हो जाता है। तो ये वाला मैं इधर से काट दूंगा, ये वाला इधर से काट दूंगा, तो क्या इसको टेंशन नहीं होगा। तो ये देखो गाइस, अपने घर के यहाँ बस ऐसे ही थोड़ा थोड़ा ऐसे पत्ते वत्ते गिरे, लकीली कुछ इतना मेजर डैमेज हुआ नहीं है। तो आप लोग को मैं दिखा दूँ मेरा पंप का जो मैंने सेटअप किया है। ऑल्दो इधर दिखने में ऐसे लग रहा है रात को इधर काफ़ी पानी भरा था, मैं जब भी सुबह उठा था 4:30-5 बजे के आसपास, तो मैं देखा ये तरफ पानी भरा हुआ था। तो जैसे आपको दिखता है ये देखो, तो इधर अपने यहाँ रात को फ्लडिंग हुई थी, और ये मेरे को देख के मालूम पड़ जाता है इधर दीवार पर जब भी मिट्टी चिपक जाती है कि पानी आया था। तो ये देखो इधर भी सब ठीक है। तो पंप मैंने डाला है इधर गाइस, इसके अंदर अपना पंप है, और उसका जो पाइप है वो मैंने इधर से ऐसे रन किया है, ठीक है। ये सब हटा दिया बॉस, गर्मी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है अपने लिए अपनी एसी, ठीक है। तो इधर से ये देखो, जैसे आपको दिख रहा है, इधर से ऐसे रन किया, इसको ऐसे घुमाया और इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। और जो ऊपर का गटर का पानी है वो सब इसके अंदर से आता है, इसके अंदर जाता है, पंप का पानी इसके अंदर जाता है। ये वाला पूरा पाइप इधर से मैं रन किया, ज़मीन के अंदर से डाला। पहले क्या होता था, जब भी मैं नया नया मूव हुआ था ना, इधर ऐसे कुछ पाइप का सेटअप था नहीं, ये दोनों जगह का पानी इधर आता था और पूरा बैकयार्ड फिल हो जाता था। तो इसके लिए मैंने बनाया, तो ये पूरा इधर से ज़मीन के अंदर मैं पूरा गाड़ दिया इसको, और आपको दिखा दूँ कि देखो यहाँ से ये निकलता है और सीधा पानी बाहर जाता है और सीधा अपने घर से आगे से निकल जाता है। तो एक्चुअली मैं आपको दिखा दूँ ये पंप कैसे वर्क करता है, तो आपको आइडिया आएगी, ठीक है। थोड़ा पानी डालते हैं उसके अंदर, तो इसके अंदर पानी डालो तो आपको आवाज़ आएगी पंप की। तो लगता है अपना पंप ब्लॉक हो गया है बॉस, क्योंकि जैसे आपको दिख रहा है पानी भरा है, तो पंप ने अपना रात को काम किया नहीं है। तो इसके अंदर से सब पत्थर जो अटक गए सब निकाल रहा हूँ, मेरे को चाहिए आप लोग को मैं दिखाऊँ कि ये पंप कैसे वर्क कर रहा है। कल की क्या, अगर आप इधर घर लोगे ना, ये बहुत काम की चीज़ है बॉस। सब क्या है, ये देखो ये सब छोटे छोटे पत्थर अंदर घुस गए, पंप भी अपना पूरा निकालना पड़ेगा। कभी कभी ऐसे ऐसे चीज़ों में ना मेरा पूरा दिन चले जाता है, फिर घर वाले भी भड़क जाते हैं कि काम कर रहा तो क्या करूँ बस, कुछ ना कुछ हो जाता है, ये सब करते रहना बस। अच्छा वो निकाला, नहीं तो पंप खराब हो जाता क्योंकि ये चलते ही जा रहे। मेरी उंगली फंस गई, पत्थर की आवाज तो आ रही है, पत्थर अंदर अटका हुआ है अभी तक, ये मेरे को निकालना ही पड़ेगा बस। तो इधर मैंने स्क्रू बिठाया था, ये वाले पार्ट को ऐसे टाइट करने के लिए इसके ऊपर। तो गाइस इसको सम पंप बोलते हैं, ओके। तो जस्ट इन केस यू वांट टू नो, ये था ना,
मेरे ख्याल से अगर ये नहीं होता था ना तो पीछे भी फ्लडिंग नहीं होती। तो देखते हैं इसको डाल के, मेक श्योर करना पड़ता है कि इसके ऊपर पाइप लगाया है, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं कर रहा था ये, मैं पाइप लगाया नहीं, सीधा अंदर डाला, सब गंदा पानी मेरे मुंह पे उड़ा था। पूरा व्लॉग बनाया है, बहुत सीरीज बनाई थी, पर एडिट करने के लिए टाइम ही नहीं मिला। अगर आप लोगों को चाहिए बताना, स्टार्टिंग से एडिट करके डालते जाऊंगा, ये भी अलग से टाइट कर रहा हूँ इसको वापस। वैसे एक एंगल में करना पड़ रहा है कि उसको पानी पकड़े। हो गया, ये देखो अभी सब क्लियर हो जाएगा, बहुत मस्त। देखा, इसको मैं बिठाऊंगा एकदम बराबर, तो वो एक सर्टेन लेवल तक जब ये पानी आता है ना, उसके बाद ये पंप चलना चालू हो जाता है। देखो अभी खुद ही बंद हो गया, अभी आपको यहाँ दिखाता हूँ। ये देखा, अभी यहाँ से सीधा अपने घर के आगे से निकल जाएगा। अभी क्या, वापस डालने से पहले मेक श्योर कर रहा हूँ सब निकालूँ, क्योंकि बहुत जमा हो गया। एक्चुअली मैं मिस्टेक क्या किया ना, मैं इधर ये वाला देखो ऊपर डाला, और कितने बड़े बड़े गैप्स है इसमें, तो बहुत बड़ी गलती किया ये मैंने। मट्टी वट्टी सब जमा हो गई है, एक्चुअली कितना टाइम मैं काम करते करते ग्लव्स नहीं पहनता हूँ, क्योंकि मेरे को फ़ोन चालू बंद करना पड़ता है बॉस ब्लॉग बनाने के लिए, तो ग्लव्स पहनता हूँ, तो फिर ग्लव्स उतारूँ इसके लिए। कितना टाइम मैं ब्लॉग करते समय कुछ भी ऐसे काम करता हूँ, ग्लव्स नहीं पहनता हूँ। तो ये बस इधर ऊपर से थोड़ा काटा अभी इधर से, ये एक्चुअली इतना छोटा ना मेरे को पहले ही डालना चाहिए था, आई मीन इतने छोटे स्क्वायर वाला, वो बड़ा वाला डाल के वही टाइम पे मेरे को लगा था मिस्टेक कर रहा हूँ, पर क्या मेरे सर पे इतना था ना वो टाइम पे, और मेरा बैकयार्ड की बैंड बज रही थी जब भी मैं काम कर रहा था। खाली एक टाइम मेक श्योर करूँ ये चलने वाला है। चल रहा तो है बहुत मस्त। अभी ये पाइप यहाँ से वापस निकाल रहा हूँ नेट के अंदर से डालने के लिए। एक्चुअली मैं मिस्टेक किया, ये सेंटर में मैंने बनाया, मेरे को रियलाइज ही नहीं हुआ यार साइड में। चलेगा, देखा मस्त हो गया ना, क्या पत्थर वत्थर गिरेगा नहीं इसके अंदर। तो ये देखो गाइस, मैंने ये पूरा फोल्ड कर दिया, अभी इसके ऊपर सब जो इधर अंदर नीचे नीचे जो कॉर्नर्स में पत्थर थे सब निकाल दिया, उसके ऊपर डाल दिया, क्योंकि फॉर ऑल यू नो नहीं तो नीचे से घुस जाता था। ये टाइम अपना काम एकदम सॉलिड होने वाला है बॉस, दिस व्हाट यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक, वो वाला सीन है। फर्स्ट टाइम कर रहा था ये पंप इंस्टॉल कर रहा था लास्ट टाइम, तो इसके लिए गलतियाँ हो गई। ओके गाइस, फाइनल टेस्ट, थोड़ी बहुत मिट्टी जाएगी बॉस अंदर, उसको तो मैं रोक नहीं सकता हूँ। मेन अपना गोल था पत्थर रोकने का, वो काम अपना हो जाएगा। और ये क्या करूँगा, एक दिन जाके सब नए पत्थर की बैग लाके पूरी डाल दूँगा एक और इसके ऊपर। एक और हो गया, थोड़ा फास्ट फ्लो आना चाहिए, एक और टाइम आ गया ना। ये वाला काम अपना हो गया गाइस, अभी ये देखो जैसे थोड़ी हालत ख़राब हो गई, हाथ पैर धो के निकलते ड्राइव पे। तो एक बार सब डंडियाँ हटा रहा हूँ, थोड़ा लीक नहीं हो जाए इधर, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे दिख रहा है जैसे डंडियाँ गिर गई इधर। तो यूजली आप ऐसे पाइल बनाओगे पाइल, फिर ऐसे इसको बराबर एक रस्सी बांधोगे, और फिर सीधा आगे कप पे रख दोगे ट्रैश वाले लोग के लिए लेके जाने के लिए। कोई कोई जगह पे अगर आप ऐसे बराबर रस्सी से बांध के नहीं रखोगे तो जितना वो लोग के हाथ में आएगा वन गो में वो लोग डाल देंगे, बाकी यू ऑन योर ओन, कितनी जगह पे उठाएंगे ही नहीं अगर वो लोग को लगेगा ऑर्गेनाइज नहीं है बराबर। तो ऐसे सब हिसाब किताब में सब हम लोग चीज़ें करने पड़ती है, तो मैं भी रस्सी बांध के आगे डाल दूंगा।
तो ये देखो गाइस, ये हम लोग के घर के यहाँ की स्ट्रीट, तो जैसे आपको दिख रहा है कि सब ऐसे टू द मोस्ट पार्ट नॉर्मल है, बिसाइड्स ट्रैफिक एकदम कम है ऑब्वियसली। तो कोई कोई स्टोर्स इधर दोपहर को 12 बजे खुल गए और कोई कोई अभी तक खुले नहीं है। तो अपना इंडियन रेस्टोरेंट तो बहुत क्लोज लग रहा है अभी, जैसे आपको दिख रहा है ट्रैफिक है नहीं इधर। पर जैसे आपने मोस्ट पार्ट देखा, हम लोग के यहाँ सब ऐसे नॉर्मलाइज हो गया। और पर लेकिन जस्ट बिकॉज मेरे घर के यहाँ नॉर्मल है, डजंट मीन पूरा ह्यूस्टन ऐसा है। कोई कोई ह्यूस्टन के एरिया में ऐसे काफ़ी ऐसे पानी आया है, अप टू 10 inches रेन हुआ है और काफ़ी लोगों के लाइट्स भी गए या लाइट्स बंद हो गए। तो ये जो मेरा स्टॉर्म के ब्लॉग्स थे, ये मैं लास्ट पार्ट बना रहा हूँ गाइस। इसके बाद मैं सीधा अपनी डेली व्लॉगिंग कंटिन्यू करूँगा। तो आई होप आप लोग को मज़ा आया हो ये व्लॉग्स में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू ऑल नेक्स्ट टाइम। टेक केयर, बाय बाय।